बच्चों आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट पर लिख कर भेजिएगा ना, होता है बताया जाएगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव हो इतना ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज सब डाला जाएगा, ठीक है। चाहे वो ABC का हो या दिनेश का हो, ठीक है। NCERT से भी रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव है सब कलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। आपको वीडियो में कुछ डाला गया है ना, आता बहुत कुछ बाकी है अभी ना, आता उसको भी वीडियो में डाला जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके उधर से क्वेश्चन पूछिए, जो पूछना है कुछ बनाइए ना, होता है आप कुछ पूछिए ताकि हम उस वीडियो को बनाकर आपके पास भेज दें। अगर कोई भी टॉपिक दिक्कत हो रहा है तो उसको आप मेरे पास कमेंट कीजिए, ठीक है। उसको अगले दिन हम ज़रूर उस वीडियो को भेजेंगे आपके पास। अब रहा आज हम पढ़ेंगे आवेश का स्थिति ऊर्जा या आवेशों का स्थिति ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। तो आवेशों की स्थिति ऊर्जा, इसके पहले बताए हैं विद्युत ध्रुव का स्थिति ऊर्जा, माने एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू चार्ज हो तो उसका स्थिति ऊर्जा बताया गया। अब रहा कि यहाँ आवेशों की स्थिति ऊर्जा में आवेश का स्थिति ऊर्जा प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू हो दोनों माइनस क्यू हो, ऐसे ऊर्जा में इसकी ऊर्जा क्या होगी? तो आवेशों की स्थिति ऊर्जा में कहिएगा कि आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है, तो आकर्षण या विकर्षण के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं वही कार्य आवेश में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ध्यान रखिएगा। आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है, तो आकर्षण या विकर्षण के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं वही कार्य आवेशों में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो आपको बताया गया, बता रहे हैं यहाँ आवेश का स्थिति ऊर्जा या आवेशों का स्थिति ऊर्जा। तो आवेशों का स्थिति ऊर्जा में आपको बता रहे हैं कि आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है, आकर्षण या विकर्षण होता है। तो आकर्षण या विकर्षण के विरुद्ध जो हम काम करते हैं, जो आवेश पर कार्य किया जाता है उसे ही आवेशों का स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, स्थिति आवेशों की स्थिति ऊर्जा किसे लिखते हैं? उसे विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा को भी उसे लिखा है, विद्युत ध्रुव जो माइनस क्यू था प्लस क्यू था। अब यहाँ आवेशों का स्थिति ऊर्जा में तो कहिएगा कि आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है, तो आकर्षण या विकर्षण के बीच जो आवेश पर कार्य किया जाता है उसे ही आवेशों का स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। अब रहा आपका कि आवेश का स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए हम कार्य जो निकाले हैं उसी से निकाला जाता है। तो कार्य जो हम पढ़े हैं इसमें भी बराबर W/Q पढ़े कि क्यू आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? कार्य क्यू आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपको? तो देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि एकांक आवेश या परीक्षा आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। पढ़े होंगे विभव की परिभाषा V/W/Q। तो यहाँ क्या लिखे कि एकांक परीक्षण आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या कहेंगे हम कि क्यू आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में मान लीजिए, तो क्यू आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? स्थिति ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिति ऊर्जा कहलाता है। कहिएगा क्यू आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा कहलाता है। स्थिति ऊर्जा किसे लिखते हैं? यू से। आप लोग पढ़े होंगे कि एक बिंदु आवेश से कहा स्थिति ऊर्जा हम बतला रहे हैं, एक बिंदु आवेश के कारण
स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एक बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। आप तो जानते हैं कि U बराबर क्या होता है, यानी स्थिति ऊर्जा। तो आप विभव पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू, विभव में क्यू नॉट। अगर Q आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाए तो V बराबर W बाई क्यू। अब अधे W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। अब देगा Q आवेश को अनंत से, Q आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, आवेश का ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा को किससे लिखते हैं, यू से। तो कार्य जो किया गया वही ऊर्जा है, वी इंटू ग्यारह क्यू। ऊर्जा सिंगल चार्ज के लिए ऊर्जा यू बराबर वी इंटू क्यू। अब क्या रहा, दो आवेशों के बीच की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। किसके बीच, दो आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ आपको बतलाया जा रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तो अब बताइए दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो मान लीजिए कि किसके बीच निकालना है जी, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो दो आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा आपको बताए हैं कि आवेशों को, आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण के विरुद्ध वर्क जो किया होता है वही स्थिति ऊर्जा होता है। अब रहा कि इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो माना कि दो बिंदु आवेश है, पहला बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है जो r दूरी से अलग है। अब रहा कि इस Q1 आवेश के कारण, यहाँ क्या है, Q1 है, इस Q1 आवेश के कारण r दूरी के इस बिंदु पर विभव, जहाँ क्या है Q2, Q2 के निकट विभव, इस बिंदु पर विभव क्या है, सपोर्टेड मान लीजिए कि V1 है। इस बिंदु माने P कुछ मान भी सकते हैं, या मान लीजिए A है, यहाँ क्या है B है। तो आप बताइएगा कि Q1 आवेश के कारण r दूरी के B बिंदु पर Q2 के निकट विभव क्या है, V1 है। किसके कहा, Q1 के कहा। तो आप बताइए Q1 आवेश के कारण r दूरी के क्या है, बी बिंदु पर विभव V1 है, जहाँ क्या है Q2 चार्ज है। तो यहाँ लिखेंगे Q1 आवेश से, Q1 आवेश से r दूरी पर विभव क्या माने हम, तो इस यही Q1 चार्ज है, ऐसे r दूरी के बी बिंदु पर विभव V1 है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट और क्या है, क्यू वन बाई आर, यह विभव रहा। तो क्यू वन आवेश से आर दूरी पर विभव क्या रहा, वी वन इजल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाई आर। अब रहा यहाँ कि बी बिंदु पर जो विभव क्या रहा आपका, वी वन है। बी बिंदु पर विभव क्या है, वी वन है। यहाँ चार्ज कितना है, क्यू टू है। तो इस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। तो ऊर्जा बराबर, अभी आप देखें कि इसके पहले वीडियो में V इंटू क्यू, तो यहाँ विभव कितना है, V बिंदु पर V1, यहाँ चार्ज कौन है, Q2, Q2। तो अब बताइएगा तो ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, V1 इंटू Q2। अब बताइए V1 का मान जो है यहाँ से रख लेंगे, इसको एक मान लीजिए। तो यहाँ देखिए यू बराबर वी क्यू, अभी निकालें। तो आप बताइए Q1 आवेश से कहा B बिंदु पर विभव V1, और यहाँ चार्ज कितना है Q2, अतः ऊर्जा क्या रहा आपका, स्थिति ऊर्जा, चार्ज का स्थिति ऊर्जा U बराबर V1 इंटू Q2। क्योंकि जिस बिंदु पर Q2 है उस बिंदु पर Q1 के कहा विभव V1 है,
और यहाँ चार्ज क्या है, Q2 है, तो विभव और क्या है, विभव और चार्ज में गुणा कर देते हैं तो ऊर्जा का मान निकलता है। अतः ऊर्जा U बराबर क्या रहा, V1 इंटू Q2। V1 का मान समीकरण एक से रखेंगे तो क्या होगा आपका, U बराबर, तो यहाँ लिख लेंगे हम V1 का मान समीकरण एक से रखने पर, तो V1 का मान समीकरण एक से रखने पर तो क्या होगा, U बराबर 1/4πε0 Q1/r इंटू क्या रहा, Q2। तो V1 का मान इस V1 के बदले 1/4πε0 Q1/r लिखें, यहाँ Q2 है, तो ऐसे तो अब क्या हुआ, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा, यहाँ दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 और क्या रहा, Q1 Q2 बाई क्या रहा, R, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, तो यही दो बिंदु आवेशों के बीच क्या रहा, स्थिति ऊर्जा रहा। अब इसके भी बाद आपको बताया जाएगा तीन बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा, यहाँ लिखेंगे हम तीन बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा, इसके बाद देखिएगा, या प्रॉब्लम भी आप बना सकते हैं इस पर छोटा सा। अगर दो चार्ज है, सपोज एक छोटा सा प्रॉब्लम दे लीजिए, दो चार्ज है 5μC तथा 10μC, दोनों के बीच की दूरी 2cm है, तो इनके बीच स्थिति ऊर्जा निकालें। क्वेश्चन है कि दो चार्ज, एक 5μC दूसरा 10μC, इनके बीच की दूरी 2cm है, तो इन आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो Q1 कितना है आपका, 5μC, 5μC यानी 5×10⁻¹ कूलम SI में। दूसरा क्या है, Q2 जो चार्ज है वह 10μC यानी 10×10⁻¹ है, इसको लिख सकते 10⁻¹ कूलम। R कितना है, 2cm अर्थात 2×10⁻²। अब क्या निकाला, इन आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो इन आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, तो स्थिति ऊर्जा क्या रहा, तो दो आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा भी आप पढ़ें, U बराबर 1/4πε0 हो, Q1 हो, Q2 हो, बीच की दूरी R हो, तो Q1 Q2 बाई R यही स्थिति ऊर्जा है। U बराबर वायु या निर्वात में, कहीं नहीं कहा जा रहा था, समझिएगा कि वायु या निर्वात में ही कहा जा रहा है। U बराबर 1/4πε0 का मान वायु या निर्वात में 9×10⁻¹। Q1 का मान क्या है, 5×10⁻¹ है, और Q2 का मान क्या है, 10×10⁻। अब रहा कि U बराबर, और नीचे क्या है, आर का मान कितना है आपका, 2×10⁻²। यहाँ क्या होगा, यू का मान 9×5×10⁻¹, यहाँ रहा, और 10⁻¹ क्या होगा, 12। इसके बाद क्या रहा आपका, 2×10⁻²। इसके बाद आपको बताया जाएगा, इसमें आगे हल किया जाएगा, यहाँ यू बराबर क्या है, तो U इजकल टू 9×45 × 10 10⁻¹⁹ 3 बाई क्या है, 2×10⁻²। U बराबर क्या रहा आपका, 45×5 या 2 से काट दीजिए 5, ये क्या होगा, 10⁻³। नीचे 10⁻²² है, तो अब रहा आपका 10⁻³ और गुण है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻². यू बराबर 50 × 25 × 5 = 20 से आ 2 = 22 225 से और −3 और +2 क्या हो जाएगा, 10⁻¹ यानी यू बराबर क्या होगा, 225 × 10⁻¹ नीचे आएगा 10, ये क्या रहा आपका, 22.5 जूल। ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है, कोई ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ऐसे अब रहा कि तीन बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा पढ़ेंगे।
तो तीन बिंदु आवेश अगर असंरेखित हो तो इनके बीच स्थिति ऊर्जा असंरेखो मान एक दिशा में एक तीन गो चार्ज हो ऐसे भी रह सकता है, तीन चार्ज हो ऐसे भी रह सकता है, ये क्या है असंरेख है। तो तीन बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा, अब आपको बतलाया जा रहा है यहाँ कि तीन बिंदु आवेशों के बीच आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट क्या है 3 पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी अमाउंग 3 पॉइंट चार्ज, तीन बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा। तो माना कि तीन बिंदु आवेश से असंरेखित यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, तो इनके बीच स्थिति ऊर्जा निकालना है। इसे देख लीजिएगा, अब अरे इसकी दूरी क्या है, माने Q1 Q2 के बीच की दूरी R1 है, Q2 Q3 के बीच की दूरी R2 है, इसके बीच की दूरी R3, कुछ भी मान सकते हैं, कहीं डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन आवेशों के बीच। तो यहाँ लिखेंगे Q1 तथा Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा, तो Q1 तथा Q2 के बीच स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या रहा आपका, तो Q1 तथा Q2 के बीच स्थिति ऊर्जा मान लीजिए U1 है, तो 1/4 pi इसके और इसके बीच 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R होता है। तो यहाँ Q1 Q2 है, दूरी बीच की दूरी R1 है, इसी तरह क्या है Q2 तथा Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या रहा, U2 = 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, और क्या रहा आपका Q3 / क्या रहा R2। इसके बाद क्या है Q1 तथा Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ आपका, तो Q1 तथा Q3 के बीच स्थितिज U3 = 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q1 Q3 / R3। अब बताइएगा कि कुल ऊर्जा क्या रहा तीनों आवेशों के बीच ऊर्जा, तो यहाँ क्या है तीनों आवेशों के बीच ऊर्जा निकालेंगे, दो आवेशों के बीच यहाँ निकाला गया इसके और इसके बीच, फिर इसके और इसके बीच ऊर्जा निकाला गया, उसके बाद इसके और इसके बीच निकाला गया। अब तीनों आवेशों के बीच ऊर्जा निकालने के लिए U1, U2 और U3 को जोड़ देंगे, ठीक है, ये दो आवेशों के बीच निकाला गया। अब क्या करेंगे हम, तीनों आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा में इन तीनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा तीनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा = क्या रहा आपका, तो कुल ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तीनों को, U1 को U2 को U3 को जोड़ेंगे, तो U1 U2 U3, तो U1 क्या रहा है यहाँ U = U1 + U2 + U3, U1 का मान क्या रहा आपका 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / R1 या 1 2 के बीच है, तो इसको R1 2 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं 2 और 3 के बीच है तो 2 3, ये क्या आपका 1 3 के बीच है 1 3, ऐसे भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो U = 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 के बीच की स्थिति ऊर्जा क्या रहा R1 2, यहाँ क्या है Q2 Q3 के बीच की स्थिति ऊर्जा क्या रहा आपका,
या आर वन टू दूरी मान सकते हैं, टू और थ्री है तो टू थ्री दूरी मान सकते हैं, वन और थ्री है तो वन थ्री ऐसे दूरी भी हो सकता है, किसी किसी बुकों में ऐसे भी होगा। तो अब क्या कहेंगे हम, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या यहाँ लिखेंगे हम कि क्यू टू क्यू थ्री, अब क्या टू और थ्री के बीच, दूसरा और तीसरा के बीच दूरी क्या रहा, आर टू थ्री। आर टू थ्री का मतलब दो दूसरे और तीसरे आवेश के बीच की दूरी है। इसके बाद क्या रहा आपका, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या है, क्यू वन क्यू थ्री, यहाँ क्या रहा आपका आर वन थ्री, वन थ्री के बीच की दूरी है आर वन थ्री। यही क्या रहा, तीन बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा रहा। तो इसमें यू बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू, क्यू वन क्यू टू के बीच का स्थिति ऊर्जा है, ये क्यू टू क्यू थ्री के बीच स्थिति ऊर्जा है, क्यू वन क्यू थ्री के बीच स्थिति ऊर्जा है। अब इस दोनों में, इन तीनों में कॉमन क्या होगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या है, क्यू वन क्यू टू, इसमें बचेगा आर वन टू, इसमें क्या बचेगा क्यू टू क्यू थ्री, क्या बचा आर टू थ्री, इसमें क्या बचा क्यू वन क्यू थ्री, और क्या बचा आर वन थ्री। अतः क्या है, तीन बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा ही रहा। अब देखिएगा, एक प्रॉब्लम इस पर बता रहे हैं और आपको ऐसे बताना है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एक बता रहे हैं, तीन बिंदु आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा में। अगर मान लीजिए कि तीन बिंदु आवेश जैसे सेम ही हम बता रहे हैं यहाँ कि यहाँ चार्ज है फाइव म्यू सी, यहाँ भी फाइव म्यू सी, यहाँ भी फाइव म्यू सी, और सबके बीच दूरी जो है दो सी एम, यहाँ भी दो सी एम, यहाँ भी दो सी एम, इनके बीच, इन तीनों आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा निकालें। यानी शीर्ष पर तीन चार्ज है और तीनों के बीच स्थिति ऊर्जा निकालना है, या तीनों के कारण स्थिति ऊर्जा निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, या मन में मान लीजिए क्यू वन है, ये क्या है क्यू टू है, ये क्या है क्यू थ्री है, आर वन टू आर टू थ्री, आर टू थ्री आर वन थ्री है। तो स्थिति ऊर्जा के सूत्र आप जानते हैं, तो क्यू तो जानते हैं सब समान है, क्यू वन बराबर क्यू टू बराबर यहाँ क्या है क्यू थ्री बराबर फाइव म्यू सी, फाइव म्यू सी बराबर फाइव गुणे दस के पावर माइनस सिक्स कूलम। अब क्या आर वन टू, यहाँ क्या लिखेगा आर टू थ्री, और क्या आर वन थ्री, सब क्या है समान है दो सी एम, यानी दो गुणे दस के पावर माइनस दो मीटर। अब क्या कीजिएगा, तीनों आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा U बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। आप पढ़े हैं सूत्र Q1 Q2 R12 Q2 Q3 R23, यहाँ क्या है Q1 Q3 R13। अब बताइएगा यहाँ कि U इज इक्वल टू क्या हुआ, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 9 गुणे दस के पावर 9। अब यहाँ क्या रहा, Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान है 5 गुणे दस के पावर माइनस 6। Q2 का भी मान यही है 5 गुणे दस के पावर माइनस 6। बाट्टा में क्या होगा, R12 2 गुणे दस के पावर माइनस 2। इसके बाद क्या होगा आपका Q2 Q3, तो Q2 का भी मान वही है 5 गुणे दस के पावर माइनस 6 गुणे क्या रहा आपका 5 गुणे दस के पावर माइनस 6, और दूरी कितना है 2 सी एम, 2 गुणे दस के पावर माइनस 2। इसके बाद Q1 Q3 के बीच वही है 5 गुणे दस के पावर माइनस 6, 5 गुणे दस के पावर माइनस 6, और इनके बीच की दूरी क्या है 2 गुणे दस के पावर माइनस 2। अब बताइएगा U बराबर क्या रहा, 9 गुणे दस के पावर 9। इसके बाद क्या है, दो सब में कॉमन ले लेंगे हम एक ही चीज़, यहाँ पचा है 25, इसको लिख सकते हैं 25 गुणे दस के पावर माइनस 12। यहाँ क्या रहा, 2 गुणे दस के पावर माइनस 2। इसके बाद 25 गुणे दस के पचास 25, और दस के पावर माइनस 6, दस के पावर माइनस 6 क्या रहा, दस के पावर माइनस 12, 2 गुणे दस के पावर माइनस 2। इसके बाद 50 25, यहाँ क्या रहा, दस के पावर माइनस 6, 2 गुणे दस के पावर माइनस 2। इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं आपको देखिएगा, यहाँ आगे सिर्फ हल कर देना है। देखिएगा U बराबर क्या रहा, 9 गुणे दस के पावर 9, उसके बाद क्या रहा आपका, यहाँ
कॉमन ले सकते हैं आप 25 × 10^-12। नीचे कॉमन ले सकते हैं 2 × 10^-2। यहाँ क्या बचेगा 1 + 1 + 1, ऐसे हो जाएगा। अब क्या हुआ, u बराबर 9 × 10^9, यहाँ क्या रहा 25 × 10^-10/2, यहाँ क्या रहा 1 × 3 × 27। u बराबर 27 × 10 = 27, उसके बाद 25 है और 10 × 10^9 क्या रहा आपका 10^-1 / 10^-1/2। इसके बाद क्या हुआ आपका, u बराबर क्या लिखे यहाँ तो 2 से काट दीजिए 27 से, और यहाँ क्या रहा 12.5 × 10^-1। इसके बाद आपको 2 से काट दिए 25, u बराबर क्या रहा 27 × आप देखिएगा। अब इसके बाद क्या रहा आपका 25 से 12.5 है और 10 से, u बराबर क्या रहा आपका 25 से और क्या है गुणे यहाँ क्या होगा 10 से 1.25। अब क्या कर लेंगे हम इसमें गुणा कर लेंगे 25 से, तो गुणा करके लिख लीजिएगा इतना जो आएगा वो क्या होगा आपका जूल में आंसर होगा।